हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंजेक्शन के बारे में जानने वाले हैं जिसे भूल से भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलाना चाहिए। कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो आपस में मिलाकर पेशेंट को दिया जा सकता है, आज इन्हीं सबको अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। पहला, कौन कौन से इंजेक्शन आपको गलती से भी नहीं मिलाना चाहिए। दूसरा, कौन से इंजेक्शन आपस में मिलाना चाहिए। और तीसरा, वो कौन से इंजेक्शन होते हैं जिसे IM या IV नहीं दिया जाता है, ये सिर्फ बोतल में मिलाकर ही पेशेंट को दिया जाता है। ये सब जानने से पहले आपको बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए कि मान लीजिए कोई ऐसी इंजेक्शन आपस में मिला दिया जाए जो मिलाना नहीं था और यह बात आपको पता नहीं थी, तब आप कैसे जान सकते हैं कि वो मिलाया हुआ इंजेक्शन मरीज के लिए हानिकारक है। तो ऐसे इंजेक्शन को जानने के लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखनी होगी। जैसे जो इंजेक्शन आपस में नहीं मिलाना चाहिए पर यदि वह आपस में मिला दिया जाए तो वह मिला हुआ इंजेक्शन डिसकलरेशन हो जाता है। दूसरी, चेंज इन विस्कोसिटी, यानी कि दोस्तों उस इंजेक्शन का जो मेडिसिन होता है वो गाढ़ा हो जाता है पूरी तरह से या पूरी तरह से एकदम पतला हो जाता है। इन दोनों में से आपको एक चीज देखने को मिल सकती है। तीसरी, प्रेसिपिटेशन, यानी कि दोस्तों दूध की तरह फट जाना। जैसे दूध फटने के बाद दिखती है वैसे ही उस इंजेक्शन का रूप आपको दिखाई देने लगता है। चौथा, मिल्की सॉल्यूशन, यानी कि दोस्तों उस इंजेक्शन का रंग सफेद कलर का हो जाएगा। पांचवा, बिकम सॉलिड, या आपकी वह इंजेक्शन इतना सॉलिड हो जाएगा जिसको आप इंजेक्शन में डाल भी नहीं पाओगे। इनमें से कोई भी रिएक्शन अगर आपको देखने को मिले तो आप समझ जाना कि वह इंजेक्शन मरीज को नहीं लगाना है। इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह प्रैक्टिकल करने वालों को फेस करना पड़ सकता है, इसलिए ये सब आप याद रखिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट आती है हमारे की कौन सा इंजेक्शन आप आपस में मिला सकते हैं। पहले ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो इंजेक्शन आप आपस में मिला सकते हैं वो है रेनिटिडिन प्लस मीटोक्लोप्रामाइड। ये दोनों इंजेक्शन को आप आपस में मिला सकते हैं। वैसे आपको ये भी बता दूं कि रेनिटिडिन इंजेक्शन को आप कोई भी इंजेक्शन में नहीं मिला सकते, बट रेनिटिडिन इंजेक्शन को मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन के साथ मिलाया जा सकता है, ये आप याद रखिएगा। इन दोनों इंजेक्शन का यूज तब करते हैं जब मरीज को नोजिया या वोमिटिंग यानी कि उल्टी वगैरह होता है, तब इन दोनों इंजेक्शन का यूज किया जाता है। गैस फॉर्मेशन यानी कि गैस जैसी समस्याओं में इन इंजेक्शन का यूज किया जाता है, या हार्ट बर्न जैसी कंडीशन में ये दोनों इंजेक्शन को आप आपस में मिलाकर जरूरत के अनुसार मरीज को दिया जाता है। और आप हमेशा याद रखिएगा कि रेनिटिडिन इंजेक्शन को कभी भी किसी और इंजेक्शन के साथ नहीं मिला सकते, सिर्फ यह इंजेक्शन मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन के साथ ही मिलाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो आती है वो है एविल और डेक्सोना। ये दोनों इंजेक्शन को आप आपस में मिक्स करके मरीज को दे सकते हैं। ये दोनों ही काफी फेमस मेडिसिन है जो आसानी से आपको क्लिनिक या हॉस्पिटल में देखने को मिल जाती है। इनकी यूज की बात करें तो कि इसका इस्तेमाल कब करते हैं तो वो है एलर्जी कंडीशन में। इन दोनों मेडिसिन का यूज किया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में, यानी कि सांस लेने में जब दिक्कत हो उस कंडीशन में ये दोनों इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि एविल और डेक्सोना को आपस में मिलाया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो है वो है डेरिफाइलिन और डेक्सोना। ये दोनों ही इंजेक्शन को दोस्तों आपस में मिलाकर मरीज को दिया जा सकता है, जो काफी अच्छा इफेक्ट दिखाता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो उसे ठीक करने में। इसलिए आप ये भी याद रखना कि डेरिफाइलिन और डेक्सोना को आपस में मिलाया जा सकता है। इसकी यूज देखे तो इसका इस्तेमाल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में करते हैं, यानी कि सांस लेने में जब दिक्कत हो तब यूज किया जाता है। इन दोनों को मिलाकर मरीज को दिया जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब नेक्स्ट आती है जेंटामाइसिन इंजेक्शन प्लस डेक्सोना। ये दोनों इंजेक्शन को भी आपस में मिलाकर मरीज को दिया जा सकता है। और आपको पता होनी चाहिए कि जेंटामाइसिन एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है, यानी कि जीवाणु संक्रमण से आपको बचाने का काम करती है। और जब सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तब मरीज को आराम से जेंटामाइसिन और डेक्सोना को मिलाकर दिया जा सकता है, ये आप याद रखेगा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जानते हैं दोस्तों कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जो आपस में नहीं मिलाए जाते हैं, वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो इंजेक्शन है जिसे आपको भूल से भी किसी और इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाना है, वो है ओंडम, जो कि यह एक उल्टी रोकने वाली दवा होती है जो ओंडेम नाम से आपको मिल जाती है, जिसका कॉम्पोजिशन ओंडेनसेट्रोन होता है। और इस इंजेक्शन को दोस्तों भूल से भी किसी और इंजेक्शन के साथ मिक्स करना नहीं होता है। अगर आप कर दिए तो काफी गंदा रिएक्शन देखने को मिलता है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेम सिरिंज से कोई और इंजेक्शन देने के बाद उसी सिरिंज में ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन को लोड करके मरीज को नहीं देना है, ये भी आप याद रखेगा, क्योंकि ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन को किसी भी इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाना है। यदि ऐसा करते हैं आप तो उस मरीज को साइड इफेक्ट हो जाएगा और उस मरीज की जान भी जा सकती है। अब नेक्स्ट आती है MVI मल्टी विटामिन इंजेक्शन के साथ कुछ भी कभी भी जिंदगी में कभी भी गलती से भी कोई और इंजेक्शन मत मिला देना। इसके साथ दोस्तों कोई भी इंजेक्शन नहीं मिलाना होता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसको NS की बोतल में मिलाकर पेशेंट को चढ़ाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसकी यूज देखें तो इसका इस्तेमाल दोस्तों कमजोरी और थकावट में करते हैं। इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट आती है डायनापार प्लस टेटनस। डायनापार दर्द के कंडीशन में यूज करते हैं और टेटनस को तब करते हैं जब जंग लगी कील से व्यक्ति को कट जाए, पैर में कील वगैरह लग जाने पर टेटनस का इंजेक्शन लगाई जाती है। तो जब कील लग जाने पर काफी ज्यादा दर्द होता है, उस कंडीशन में हम लोगों को यह बात ध्यान में रखनी है कि टेटनस इंजेक्शन को और दर्द की इंजेक्शन को आपस में मिलाकर एक साथ पेशेंट को नहीं देना चाहिए और ना ही सेम सिरिंज यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखना कि टेटनस और डायनापार इंजेक्शन को आपस में मिलाकर नहीं देना चाहिए। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट आती है डायनापार और रेनिटिडिन। जैसा कि मैंने बताया, डायनापार दर्द को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है और रेनिटिडिन को तब यूज किया जाता है जब पेट में गैस या एसिड हो जाए। इन दोनों को भी आपस में भूल से भी मिलाकर मरीज को नहीं देना है, ये आप याद रखिएगा। आप सेपरेट सिरिंज यूज करें ये दोनों इंजेक्शन देने के लिए। एक साथ एक ही सिरिंज में ये दोनों इंजेक्शन नहीं मिलाना है, ये आप याद रखिएगा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट आती है डायनापार प्लस पेंटोप्राजोल। जैसा कि आपको पता होनी चाहिए कि पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का क्यों यूज किया जाता है। पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का यूज कब करते हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके देंगे। जिसका सही जवाब होगा उसका स्क्रीनशॉट अगली वीडियो में दिखाऊंगा। इन दोनों इंजेक्शन को भी आपस में मिलाकर मरीज को नहीं देना होता है, ये आप याद रखिएगा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट आती है पेंटोप्राजोल प्लस रेनिटिडिन। इन दोनों इंजेक्शन को भी दोस्तों आपस में एक साथ मिलाकर मरीज को नहीं देना चाहिए। अगर आप गलती से मिलाकर दे दिए तो मरीज में काफी सीवियर रिएक्शन देखने को मिल सकता है, इसलिए कभी भी इन दोनों को एक साथ मिलाकर मरीज को नहीं देना है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद पेंटोप्राजोल और अमीकासिन इंजेक्शन को साथ में नहीं मिलाना चाहिए। अमीकासिन एक एंटीबायोटिक होता है और जब इसको मरीज में लगाते हैं तो गैस भी बनता है, तो उस गैस को ठीक करने के लिए पेंटोप्राजोल इंजेक्शन भी लगाई जाती है। बट आपको ध्यान में यह रखना है कि इन दोनों को आपस में मिक्स करके एक साथ नहीं देना है और ना ही सेम सिरिंज का यूज करना है दोनों इंजेक्शन देने में।
उसी तरह से पेंटोप्राजोल को ओंडनसेट्रोन के साथ मिलाकर मरीज को नहीं देना है, और ना ही ओंडनसेट्रोन को रेनिटिडिन के साथ मिलाकर किसी पेशेंट को देना चाहिए। ये सब इंजेक्शन को आप जरूर याद कर लीजिएगा कि इसको कभी भी साथ में मिक्स करके पेशेंट को भूल से भी नहीं देना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये इंजेक्शन कभी भी किसी के साथ नहीं मिलाना चाहिए जो है बस्कोपाम। इस इंजेक्शन को पेट के दर्द में यूज किया जाता है, खासकर डिलीवरी के बाद महिलाओं में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, पेट वगैरह में दर्द होता है, उस कंडीशन में इस बस्कोपाम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा बोट्रोफेज जो इंजेक्शन है, यह ब्लड क्लोटिंग को तेज करता है ताकि खून का थक्का जल्दी बन जाए, ताकि ब्लीडिंग होना रुक जाए, और इस इंजेक्शन को किसी ऑपरेशन से पहले या बाद में दिया जाता है। और आपको याद रहे कि इस इंजेक्शन को किसी भी दूसरे इंजेक्शन के साथ कभी नहीं मिलाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो काफी ज्यादा सीवियर रिएक्शन देखने को मिलते हैं, इसलिए भूल से भी इस इंजेक्शन को किसी और इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाना है। नेक्स्ट होता है लेक्सिस इंजेक्शन, जो डायूरेटिक इंजेक्शन होती है। यह यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है। इसको भी किसी इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब कुछ ऐसे इंजेक्शन को जानते हैं जिसे आईवी इन्फ्यूजन यानी कि आईवी बोतल में डालकर ही देना होता है। बिना बोतल में डाले इन इंजेक्शन को नहीं देना चाहिए, जो है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। इसका काम हमारे बॉडी में ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और ब्लड काफी निकल रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए। और महिलाओं में पीरियड के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होने के दौरान इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। इस इंजेक्शन का यूज कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इस इंजेक्शन को भी आईवी इन्फ्यूजन में डालकर ही दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब कुछ ऐसे इंजेक्शन है जो आईवी इन्फ्यूजन में डालते तो हैं, बट उसमें उस इंजेक्शन के अलावा उस बोतल में कोई और इंजेक्शन नहीं मिला सकते। जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट को अगर एनएस की बोतल में डालकर मरीज को चढ़ा रहे हैं तो उस बोतल में कैल्शियम ग्लूकोनेट के अलावा कोई और इंजेक्शन नहीं डालनी है, ये बात आप याद रखिएगा। वैसे ही पोटेशियम क्लोराइड के अलावा कोई और इंजेक्शन नहीं मिलाना चाहिए। एस्कॉर्बिक एसिड के साथ भी कोई और इंजेक्शन नहीं मिलाना चाहिए। एमबीआई यानी कि मल्टी विटामिन को एनएस की बोतल में डालकर चढ़ाते हैं तो उस बोतल में कोई और इंजेक्शन नहीं डालना है, ये आप याद रखिएगा। ट्रामाडोल इंजेक्शन को भी डायरेक्ट नहीं देना होता है, आईवी बोतल में डालकर ही देना चाहिए, और इसके साथ भी कोई और इंजेक्शन नहीं मिलाना होता है, यह आप जरूर याद रखिएगा, वरना मिला देने के बाद काफी सीवियर रिएक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये थी दोस्तों कुछ ऐसी इंजेक्शन जो कब कैसे देना होता है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये काफी इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो हॉस्पिटल में काम करते हैं या करना शुरू किए हैं। ये सब आप जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।